स्वराज प्रिय है। और तुम्हारा भाई देखो नंगा पुंगा घूम रहा है। इसका कोई ड्राइवर नहीं है, ये अपनी जगह ऑटोमेटिक जाता है। वो ए इसने मोड़ा और ये चल पड़ा भाई। अरे घर से छोड़ देते हैं ना इसको लगा के ऐसे, तो ये यहाँ पे आ जाता है। इसका डेली का काम है आने जाने का। ये डब्बू है। अरे धीरे ले बे, धीरे ले। चल आज नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी जिंदगी में एक बार फिर से। अभी हम आए हैं खेत से। ये है हमारे रवि भाई, देखिए रवि भाई, इन्होंने घास काटा है। क्या बोले कर भाई ने, इन्होंने ज्वार काटा है और हम लेके आ रहे हैं मस्त। ये रवि भाई का घर है और अभी बज गए 11:45। और अभी मैं अभी निकल रहा था पिलाने के लिए, सारे प्लान हमारे कैंसिल हो गए थे। एक बार मैं कभी प्लान में बनाया था कि नहर में नहाने जाना है, पर सुबह से शादी काम काफ़ी ज़्यादा है तो डिले होता जा रहा था। कल भी हमने किया था प्लान पर कैंसिल हो गया। आज भी करते करते एक बार मैं निकल गया, मैंने बैग पैक कर लिए, बट हमारा ट्रैक्टर आ गया, हम जा रहे हैं नहाने के लिए। हरियाणा में आए नहाना बहुत जरूरी है प्रवीण भैया। यस, ये हमारे बड़े भैया हैं, मामा जी के लड़के, तो चलते हैं। चलो ये आ गया हमारा ट्रैक्टर। क्या बात है। अरे भैया इसको देख रहे लग रहा है कि हमें तैरना सीखना पड़ेगा। ये हमारा स्वराज ट्रैक्टर है और सब अभी कपड़े वगैरह खोल के जाने लग गए थे। मैं भी तुम्हारा थोड़ा मोटा है, वो बात लगे इग्नोर करना थोड़ा सा। भाई देख मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें कूदने की कोशिश कर रहे हैं। कूद जाओगे भैया, कूद जाओगे। सब मस्ती से कूद रहे हैं, रस्सी लगा रखी है इसको पकड़ के। प्रवीण भैया वहां आ रहे हैं। अब मेरे को अब क्या है, मन तो कर रहा है पर मैं जा नहीं सकता हूँ, ठीक है। और एक बड़ी नहर इधर है और छोटी वाली भी दिखाता हूँ आपको मैं। ये बड़ी है और ये थोड़ी छोटी है जो हमारे लिए, हमारे देशों के लिए है। मेरे को भी नहाना है भाई, इंतजार नहीं होने। चलेंगे चलेंगे चलेंगे। ना तो पहले रूम फिर के दिखा लिया मंदिर में, वीडियो बनाऊँ करो। तुम कुछ करने से उसमें पहला तू एक्सपेरिमेंट करके दिखा। चलो ना तिरके दिखा, थोड़ा तिरके दिखा एक बार। बस पार हो जाओ। तिर जाओ ला। एक बार मेरा एक्सपेरिमेंट हुआ उधर तैरने का है प्रवीण भैया, ठीक है क्या? अब बड़ी वाली में तैर रहे हैं। अब बड़े वाली में कोशिश कर रहे हैं। ये सब भाई मेरे को थोड़ा सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट करिए भाई थोड़ा सा। अब जो आप सामने मूवमेंट देख रहे हो इसमें काफी दर्द छुपा हुआ है। हम जब भी इसे देखते हैं तो हमें दर्द का आभास होता है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ, तो हुआ कुछ ये था कि हम डर घबराहट के साथ में पहली बार उतर रहे थे नीचे, बट हम ये भूल गए थे कि जिससे हम फिसलना चाह रहे हैं वो सीमेंट और ककड़ी से बना हुआ है। तो हम ऐसा छिले हैं और ऐसी जगह छिले हैं कि क्या बताएं आप। सबसे पहले मैं वहां से कूदा था, अब मैं वहां से कूदने की कोशिश करूंगा। मैं सीने में धक धक हो रहा है मेरे। हमारा अंकित भाई पिछले 5 मिनट से वहां पे खड़ा है। और अंकित भाई, हाँ भाई, अंकित भाई कैसा लगा कूद के? 5 मिनट ऊपर खड़े होने के बाद में अंकित भाई कूदे हमारे। लो इस बार मेरा नंबर है भाई। Oh,
अक्षय कुमार सर आप देख रहे थे, मेरे को बुलाना थोड़ा। अभी जा रहे हैं अन्य उस साइड में। अब ये तो पीने का पानी नहीं है, पर हम पीने का पानी लेके आ रहे हैं। और तुम्हारा भाई देखो नंगा पुंगा घूम रहा है। इसमें खारा पानी आता है, इसमें मीठा पानी आता है। तो भाई ये है हरियाणा की नहर और ये है तुम्हारा भाई। भाई ट्रैक्टर के ऊपर बैठे हैं हम, कुछ चीजें का नजारा हम ले नहीं सकते थे, यहाँ हरियाणा में आके लेते हैं हम। और हमने एक घंटा नहाया है, एक घंटा और नहाएंगे हम, क्योंकि जो हमारे हरिपिलानी जाने का प्लान था वो कल पे शिफ्ट हो गया है, और हो सकता है हम शाम को भी जा सकते हैं। भाई कल सोच रहा हूँ कल सुबह जल्दी निकल जाऊँ मैं। देखो हम आराम आराम से अब काफी आगे तक जाएंगे हम। अब क्या है कि आधा शरीर हमारा ठंडा है, ऊपर से गर्म हो रहा है शरीर, नीचे से ठंडा हो रहा है। और जब हम हरियाणा में वहां पे नहा रहे थे ना, वो इन दोनों से और ज्यादा पानी था उसके अंदर। ये आधी चल रही है आज नहर। हमारी किस्मत बढ़िया है कि बाकी हम इसमें नहाना पड़ता। ये आप देख रहे हो ना, इसके अंदर नहाना पड़ता। देखो भैया हम इसकी बाल्टी नहीं ले, बाल्टी लाना भूल गए तो सौराज को नहलाना, जैसे हम जानोड़ी को नहलाना जरूरी है, सौराज को नहलाना जरूरी है। जैसे हमारे लिए जानोड़ी प्रिय है, वैसे हमारे भैया के लिए ये सौराज प्रिय है। ये सौराज यहाँ पे खड़ा है और हम घर पे पहुँच गए थे अभी से 20 मिनट पहले मैं घर पे पहुँचा और कूलर के सामने जाके थोड़ा सा रेस्ट किया। आँख लगने वाली थी कि मैं एक बार व्लॉग शूट कर लेते हैं, अभी शूट नहीं किया तो फिर मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि अभी जो फील में है वही बात बोल सकते हैं, बाद में बनावटी बात हो जाती है। तो अभी शरीर काफ़ी दर्द हो रहा है, काफ़ी जगह मेरे लगी भी आपको दिखाता हूँ। जैसे एक तो यहाँ पे लगी, देखो ये लगी है, और इसी जगह सेम ये मेरे यहाँ पे लगी है इस पैर पे, तो एक यहाँ पे कट गया है। ऐसा कई जगह शरीर के ऊपर कट फट लग गए हैं, कहीं लाल हो गया है, क्योंकि पानी का दबाव लगता है शरीर लाल हो जाता है उस जगह से। तो काफ़ी थक गए हैं, कुछ खाएंगे और नहीं खाएंगे तो सो जाएंगे। वो कहते हैं ना, एक मूवमेंट को जीना है तो दूसरे को छोड़ना पड़ेगा, और दूसरे को जीना है तो यहाँ से वहाँ जाना पड़ेगा। तो वही वाली आज कहानी हमारे साथ में हो रही थी कि पिलानी जाएं, वहाँ वाला काम करें, यहाँ या नहर में नहा के इंजॉय करें। तो हमने जो हमारे दिल ने कहा कि नहाना इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप हरियाणा में हो। तब देखते हैं शाम को हम पिलानी जाते हैं या कल सुबह जाते हैं, कब सोते हैं। हवाएँ बहुत प्यारी चल रही है और अभी बज गए हैं 7, और आज पिलानी जाने का प्लान नहीं है, कैंसिल हो गया है, कल सुबह निकलेंगे पिलानी के लिए। तो हवाएं बहुत प्यारी चल रही है, 2:40 के आसपास हम सोए थे, फिर थोड़ी देर हम मोबाइल वगैरह देखने लग गए तो नींद आई नहीं। फिर जब नींद आने का मौका लगा कि अब यार अब नींद आ रही है, अब सोना चाहिए, तब हमारी लाइट चली गई। बट अच्छी बात थी कि इन्वर्टर था, ऊपर पंखा चल रहा था, तो हल्की हल्की हवाओं में हम सो गए। अभी हम खेतों में हैं, अभी सूरज डूब ही रहा है। हाँ, ये मामा जी भैया ने छोड़ दिया इसको। तो ये हमारा भैया का लड़का है, वो चला रहा ट्रैक्टर। उस साइड मोड़ो। कोई नहीं, आ जाओ। देखो हरियाणा के बच्चे इससे जल्दी सीख जाते हैं कि अभी 2 साल का है, और मैं 21 साल का हूँ, अभी तक मैंने ट्रैक्टर चलाना नहीं सीखा है।
और ये 2 साल का ही था, वो ऐसे मार भैया सिखाने लग गया इसको ट्रैक्टर, तो ये सीख जाएगा 10-12 साल का होगा आराम से सीख जाएगा। ये ट्यूबवेल के अंदर का है, ये देखो हरियाणा में 15 फुट भी पानी आ रखा है, हमारे राजस्थान में आता 600 फुट, 700 फुट, 800 फुट, 1300 फुट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।